अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला अव्वल लहू वला आखिर लहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला शरीक लहू फ़िज़्ज़ाति वस्सिफ़ात वअला वस्सलातु वस्सलामु अला मन उर्सिल बिलबराहीन वल्बय्यिनात वअला आलिही वअस्हाबिही वअहलि बैतिही अत्तय्यिबीन अत्ताहिरात। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी जअला लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन फ़म्शू फ़ी मनाकिबिहा वकुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर। आमिनतुम मन फ़िस्समाइ अन यख़्सिफ़ बिकुमुल अर्ज़ फ़इज़ा हिय तमूर। अम अमिनतुम मन फ़िस्समाइ अन युरसिल अलैकुम हासिबा फसतअलमून कैफ नज़ीर। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम ज़ी क़दर वज़ी वक़ार बुज़ुर्गों भाइयों अज़ीज़ों नौजवान साथियों अस्सलामु अलैकुम। दुआ और इल्तिजा है दरबार इलाही के अंदर अल्लाह मुझे हक़ सच कह सकने समझा सकने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और बाद अज़ां मुझे और आप सब को अमल की भी तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। गुज़श्ता जुम्मा से एक उन्वान हमने शुरू किया था। चूँकि मज़मून थोड़ा तवील था तो दो हिस्सों पर उस सूरत को मुश्तमिल किया और मेरी गुफ्तगू का उन्वान था सूरतुल मुल्क। ये 29वें पारे की पहली सूरत है, मक्की सूरत है और शान अज़मत और अहमियत के लिहाज से नुमायाँ है। यहाँ तक कि इसकी अज़मत और अहमियत के पेश नज़र आम लोग भी इसको याद किए हुए होते हैं। कई बुज़ुर्गों को याद होती है ये सूरत, कई बूढ़ों को भी याद है, जवानों को याद की करवाई जाती है। और इस अहमियत की वजह भी मैंने गुज़िश्ता जुम्मा आपके सामने अर्ज़ की। चूँकि 30 आयात पर और 2 रुकूआत पर मुश्तमिल ये सूरत इतनी अहम इसलिए है कि इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौहीद का इस्बात किया है। जिसका इस्बात किया है अक़ीदा तौहीद को साबित किया है। और जिस सूरत में इस अक़ीदा तौहीद को साबित किया जाता है तो अक़ीदा तौहीद ये तमाम उसूलों में से अहम तरीन चीज़ है। नमाज इस वजह से कबूल, रोज़ा इसी से कबूल, हज इसी से कबूल होता है। अगर तौहीद का अक़ीदा निकल जाए और शिर्क की अदना सी मिलावट भी हो जाए तो अमल क्या होता है? ज़ाया व बर्बाद होता है। तो उसका पहला हिस्सा हमने पढ़ा। आज दूसरा हिस्सा आयत 15 से शुरू करता हूं। फरमाया हुवल्लज़ी जअला लकुमुल अर्ज़ा ज़लूला। हुवल्लज़ी अल्लाह वो ज़ात है, जअला लकुमुल अर्ज़ा ज़लूला जिसने बनाया तुम्हारे लिए जलू जमीन को जलूलन नरम। एक माना जलूलन पस्त, दूसरा माना जलूलन ताबे आसान सहल। फमशूफी मना के बिहा, चलो इसके खुले रास्तों में। फमशूफी मना के बिहा, चलो इसके अतराफ में। मेरे दोस्तों, दिल का बर्तन सीधा कीजिए ताकि बरसात कुरानी हो तो आपके दिल उसको लेकर मोती पैदा कर सकें। वल्लज़ी जअला लकुमुल अर्ज़ा ज़लूला। पहली नेमत अल्लाह की एहसान उस मालिक का जिसने बनाया तुम्हारे लिए जमीन को नरम पस्त। जलूला नरम और पस्त, ये जलूला का लफ्ज ऐसा है कि सारे महानी को समेटे हुए है। और उर्दू का दामन कम है, पश्तो हिंद को फारसी का दामन कम होता है, इसलिए हम कई कई अल्फाज उस माने को अदा करने के लिए जिक्र करते हैं। और अरबी का कमाल ये है कि वो एक ही लफ्ज में कई चीजों को समेट लेता है। फरमाया बनाया उसने तुम्हारे लिए जमीन को जलूला नरम ताबे, यानी जमीन तुम्हारे ताबे है, तुम इसे खोद भी सकते हो। जमीन तुम्हारे ताबे है, तुम इसमें कुएं भी बना लेते हो। जमीन तुम्हारे ताबे है, तुम इससे ईंटें भी बना लेते हो। जमीन तुम्हारे काबू है, तुम इसमें हल भी चला लेते हो। जमीन तुम्हारे ताबे है, नरम है, तुम इस पे चलते भी हो, सड़कें भी बना लेते हो, मकान महल्लात भी बना देते हो। रब ने ऐसा नहीं बनाया जमीन को कि अगर बिल्कुल तांबे की तरह बना देता, एक ही पत्थर बना देता, कहाँ तुम हल चलाते, कहाँ तुम रास्ते बनाते, कैसे खुदाइयाँ करते, जमीन के ऊपर होने वाला गंद अंदर कैसे जाता, और अंदर से पैदा होने वाली बीज और तुखम और फसलें बाहर कैसे आती। कमाल है अल्लाह। जलूला ऐसे बनाया। और कुरान दूसरे मकाम पे कहता है अलम नजालिल अर्ज़ किफाता अहिया व अमवाता। ओ मेरे हरिपुर के भाइयों सुनो, क्या नहीं बनाया अल्लाह ने तुम्हारे लिए जमीन को किफाता, समेटने वाला। क्या करने वाला? समेटने वाला। आप कहेंगे कैसे समेटने वाला? अहिया व अमवाता, जिंदों को भी और मुर्दों को भी। कैसी जमीन अल्लाह ने बनाई है? ये जमीन जिंदों को भी संभाल रही है, समेट रही है, मुर्दों को भी समेट रही है। आप कहेंगे वो कैसे? इमाम इब्ने कसीर माना करते हैं ऐ ज़हरु हालिल अहिया, इसका ऊपर वाला हिस्सा जिंदों के लिए चल रहे हैं, फिर रहे हैं। वह बतनो हालिल अमवात, और इसका अंदर पेट वाला हिस्सा किसके लिए है? बोलो, मुर्दों के लिए। इसके पेट में तुम्हारे मुर्दे दफन होते हैं, उन्हें भी समेट लेती है। और ऊपर तुम्हारे जिंदों के लिए भी इंतजाम हो रहा है। तुम बीज फेंकते हो नीचे, उसे उगा के एक दाने के बदले 700 दाने तुम्हें देता है अल्लाह। फरमाया जअला लकुमुल अर्ज़ा ज़लूला, बनाया तुम्हारे लिए जमीन को ज़लूला नरम। फमशूफी मना के बिहा, चलो इसके रास्तों में। मनाकिब असल में मनकिब की जमा है, और मनकिब लुगत अरबी में कांधे को कहते हैं। मनकिबैन दोनों कांधे, ठीक है। हजवा मन के बे, कांदों के बराबर। तो कांदे क्यों कहा? क्या हिकमत कुरानी पे तो गौर कीजिए, क्योंकि बदन इंसानी में कांदा भी आपके जिस्म का एक तरफ होता है, एक तरफ है, एक नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ। तो फरमाया फमशूफी मना के बेहा ए फमशूफी अतराफे हा, इसकी तरफों में चलो, मशरक़ की तरफ में चलो तब भी हमवार ताबे है, मगरिब की तरफ चलो तब भी हमवार ताबे है, शिमाल और जुनूब की तरफ चलो तब भी तुम्हारे लिए हमवार और ताबे। चलो इसके अतराफ में। ये एक दूसरा माना कि फम शूफी मना के बेहा, मैंने तुम्हारे लिए ज़मीन को इतना ताबे बना दिया कि तुम इसके कांधों पर भी चल सकते हो। मनाकिब कांधे को कहते हैं, किसको? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं ज़मीन के कांधे पहाड़ हैं। क्या हैं? अल्लाह अकबर। बाकी नीचे का हिस्सा और पहाड़ इसके कांधे हैं। तो माना होगा फमशू फी मनाकिब हा, यानी अल्लाह बतलाना चाहते हैं कि ओ मेरे बंदों, ज़मीन को ऐसे बनाया कि पहाड़ों के अंदर भी, इसके कांधों पे भी तुम्हारे चलने के रास्ते मौजूद हैं। सड़कों से हट कर भी चलने के रास्ते किसी ने नहीं बनाए, किसी ने बनाए नहीं हैं, बगैर बनाए के क्या हैं, अल्लाह ने बनाए हैं। तो अब माना होगा कि जब इसके कांधों यानी पहाड़ों में तुम्हारे लिए चलने के रास्ते बना दिए, तो इसके हमवार में तुम्हारे लिए कितने रास्ते बनाए होंगे। फम शूफी मनाकिबिहा, और फरमाया ज़मीन तो ऐसे बना दी, पहाड़ भी ज़मीन का हिस्सा, ज़मीन के ऊपर मैदान भी। मकान बनाओ, घर बनाओ, कोठियाँ, बंगले, बिल्डिंगें बनाओ, खेती बाड़ी करो, बाग लगाओ, फूल बनाओ लगाओ, लेकिन याद रख लो जितना भी इस पे फिर के आबादियां कर लो, रहना फिर भी नहीं। व इलैहि नुशूर, रहना फिर भी इधर नहीं है। फरमाया चलना फिर भी तुम्हें रब ही के पास है। कुलू मिर रिज़्क़िही, खाओ अल्लाह की पैदा करदा रोज़ी से, खूब उगाओ, खूब फसलें पैदा करो, मेहनत करो, खाओ, लेकिन याद रख लो जितने भी खाते पीते बन जाओ। व इलैहि नुशूर, जाना किसकी तरफ है, उसी की तरफ उठाए जाओगे। अल्लाह अकबर। आगे थोड़ा सा डरावा भी सुना दिया। फरमाया आमीन तुम फिस समाए अन यख्सिफ बिकुमुल अर्ज़ा फ़इज़ा हिय तमूर, क्या उस ज़ात से तुम बेखौफ हो चुके हो जो आसमानों में है। कहाँ है? अल्लाह आसमानों में है, अल्लाह ज़मीनों में है, अल्लाह अर्श के ऊपर है अपनी ज़ात के एतबार से। फरमाया फरमाया आमीन तुम मन फिस समा, या इमाम कुर्तबी ने मन फिस समा का माना अलस समा किया। तो अब माना होगा क्या तुम बेखौफ हो चुके उस ज़ात से, मन फिस समा ए मन अलस समा, जो आसमानों के ऊपर है। किस बात से बेखौफ हो चुके हो? आई यख्सिफ बिकुमुल अर्ज़ा, कि वो तुम्हें ज़मीन में दंसा दे, यानी इस बात से तुम्हें बेखौफ नहीं होना चाहिए, मगरूर नहीं होना चाहिए। उसने तुम्हारे लिए ज़मीन को तो बड़ा नरम ताबे बनाया है, लेकिन जब उसकी मर्जी आती है वो इसी ज़मीन में दंसा भी देता है। उसके लिए कोई मुश्किल है? फारसी शायर कितने प्यारे अंदाज में कहता है, कहता है ओ अस्ते सुल्तान हरचे ख्वाहद आकुनत, ओ अस्ते सुल्तान हरचे ख्वाहद आकुनत, आलम मेरा दर्द में वीरा कुनद। वो ऐसा बादशाह है जो चाहे कर गुजरता है, जहान को लम्हों में वीरान कर देता है। करता है कि नहीं? और कितने प्यारे अंदाज में कहा, तू मशो मगरूर बरहिल में खुदा, तू मशो मगरूर बरहिल में खुदा, तेरी गीरद सख्त गीरद मरतोरा। अल्लाह की बुर्दबारी पे मगरूर ना हो। वो देर से पकड़ता है मगर सख्त पकड़ता है। क्या करता है? पंजाबी का एक शेर है, मुझसे तो इस वक्त जहन में नहीं आ रहा, लेकिन उसका मफहूम ये है हाँ कि जेर थी वंजते जबर ना बन, जेर थी वंजते जबर ना बन, मता खालिक पेश चपावी। इस मफहूम को समझो। जेर हर्फ के नीचे होती है तो शायर कहता है जेर नीचे रह, जबर ना बन, गुरूर करके ऊपर ना। क्यों? अल्लाह पेश डाल देगा, पेश में एक वल होता है ऐसे, तो अगर अल्लाह ने थोड़ा सा भी मरोड़ा दे दिया, बल डाल दिया, तो आपके सारे बल निकल जाएंगे। फरमाया आमीन तुम मन फिस समा, क्या तुम उस जात से जो आसमानों में बेखौफ हो चुके हो कि वो तुम्हें जमीन में दनसा दे। फ़ाइज़ा हिया तमूर, बस अचानक वो ज़मीन थर थराने लगे, तमूर तेजी से हरकत करने लगे। कारून क्या था? इतना मगरूर और दौलतमंद। लेकिन कुरान क्या कहता है? फ़ख़सफ़ना बिही वबिदारिहिल अर्ज़ा फमा कान लहू मिन फिअतिन यंसुरूनहू, हमने उसे अपने घर समेत जमीन में दंसा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह के दीन पे भी कुछ पैसे लगा लिया कर। कहता है इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन, ये कुछ मुझे अल्लाह ने तो नहीं दिया, ये अल्लाह का फजल नहीं है, तो मेरे इल्म की वजह से मुझे मिला है, ये मेरी अपनी महारत है, मैं बड़ा काबिल हूँ, मैंने मेहनतें की हैं। अल्लाह ने फरमाया अच्छा, फ़ख़सफ़ना बिही वबिदारिहिल अर्ज़, और यही वो बदबख्त था, यही वो बदबख्त था कि जब मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले के लिए फ़िरौन को कोई हरबा हाथ ना आया। जादूगर बुलाए नाकाम हुआ, गुफ्तगू हुई नाकाम हुआ, कोई हरबा हाथ नहीं आया। तो पता है क्या हरबा इस्तेमाल किया? एक कंजरी औरत को पैसे दिए इसने, इस बदकिरदार औरत को इसने पैसे दिए, माल दिया, और फिर क्या कहा? जब तू मूसा अलैहिस्सलाम उठ के तौहीद बयान करने लगेंगे, तू उठ के तोहमत लगा दे कि इधर तकरीरें करते हो, मेरे साथ ऐसे ऐसे किया। अल्लाह के पाकबाज पैगंबर खड़े होते हैं अल्लाह के कलीम तकरीर के लिए, तौहीद सुनाते हैं। किसी ने सवाल कर दिया जी जनाकार कैसा होता है? कहा जनाकार तो बहुत बड़ा मुजरिम है, उसकी ये सज़ा है। इतने में मजमे से औरत खड़ी हो गई और खड़े होते ही उसने कहा कि सारे लोग सुन लो, मूसा अलैहिस्सलाम ने मेरे साथ ये किया। आपको पता है किसी को बदनाम करने का कोई एक हरबा नहीं, हर हरबा आजमाया जाता। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम पे क्या गुजरी होगी हरिपुर वालों? किसी सफ़ेद पोश इंसान को चौक में पूछ लो क्या गुजरती है। फिर अल्लाह के कलीम जैसा पाकबाज, आपने यूं पूछा उसको एकदम का, खातून तुझे अल्लाह की कसम देता हूं जिसने आसमान को उठाया, ज़मीन को बिछाया, जो चाहे ज़मीन में तुझे दंसा दे। आपकी गुफ्तगू का ऐसा असर हुआ कि खातून उधर ही लरज गई और चीख कर रो कर कहने लगी जी मैं माफ़ी मांगती हूँ, मुझे फलां ने पैसे दे के ये कहलवाया। उधर ही सफाई भी अल्लाह ने कर दी अपने पैगंबर की। और नमरूद का उस कारून का अंजाम क्या हुआ? ज़मीन में दंसा दिया। फरमाया आमीन तुम मन फिस समाई अन यख्सिफ बिकुमुल अर्ज़ फ़इज़ा हिय तमूर, आमीन तुम मन फिस समा अन युरसिल अलैकुम हासिबा, क्या तुम उस जात से बेखौफ और निडर हो चुके हो कि वो चाहे तुम्हें जो आसमानों में अयुरसिला अलैकुम हासिबा, कि वो चाहे तुम पर बीज दे हासिबा संगबार हवा। हासिबा के दो मानी हैं, एक माना हसबा कहते हैं कंकरियों को, छोटी छोटी कंकरियों को हसा भी कहते हैं उसको, और दूसरा माना ऐसी तुंद हवा जब चले तो उसमें पत्थर भी बरसें, संगरेजे हों और पत्थर लगें, बंदे को चूर चूर कर दें। तो अब माना करो, आमीन तुम फिस समा, क्या उस जात से बेखौफ हो चुके हो जो आसमानों में अयुरसिला अलैकुम हासिबा, कि वो तुम पे पत्थर बरसाए भेज दे। एक माना अयुरसिला अलैकुम हासिबा, कि वो तुम पर संगबार हवा भेज दे। फसतालमून कैफ नज़ीर, फस अन करीब जान लोगे कैफ नज़ीर। ये नज़ीर रे के नीचे ज़ेर है, वो ज़ेर दलालत करती है, यहाँ याए मुतकल्लिम महजूफ है। वो क्या है? फसतालमून कैफ नज़ीरी। अल्लाह फरमाते हैं अन करीब जान लोगे कि मेरा डराना कैसा था, मैं जो तुम्हें डराता था वो मेरा डराना कैसा था जब दंसाऊंगा। लक़द कज़्ज़ब अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, अलबत्ता तहक़ीक़ जुटलाया उन लोगों ने जो इनसे पहले। मक्के के मुशरिक मेरा पाक पैगम्बर अगर आपको जुटला रहे तो ये कोई नई बात नहीं। नबी अलैहिस्सलाम कभी कभी परेशान होते, गमगीन होते, रो पड़ते तन्हाई में, अल्लाह क्या मेरे समझाने में कोई कमी है, थक गया हूँ सुबह से शाम, ये फिर भी नहीं समझते। अल्लाह अकबर, ये फिर भी नहीं समझते क्या मेरे समझाने में। फरमाया मेरा पैगंबर आपके समझाने में कोई कमी नहीं है। ये जिद्दी हैं, और ये सिर्फ इन्हीं की ज़िद नहीं, ये वतीरा चला आ रहा है बातिल परस्तों का, पहले भी ऐसा ही होता रहा, इनसे पहले लोगों ने भी जुटलाया। फ़कैफ़ कान नकीर, बस कैसे हुआ मेरा इनकार। नकीर नकीरी, मेरा इनकार। एक माना फ़कैफ़ कान नकीर, बस कैसी हुई मेरी सज़ा, मेरी पकड़। नकीर का माना तो होता है इनकार, तो सज़ा पकड़ को नकीर क्यों कहा? इसलिए ऐसी पकड़, ऐसी सज़ा, ऐसा अजाब कि जिसको देखने वाला देखे तो वो भी वो जुर्म करने से क्या कर जाए, इनकार कर जाए। तो ऐसी सज़ा मैंने उनको दी कि देखने वाले भी उस जुर्म का क्या करने लग गए, क्या आइंदा हमारी तौबा हम नहीं करेंगे। फ़कैफ़ नकीर, बस कैसे हुआ मेरा पकड़ना, मेरा अजाब। ए नकीरी इयाहुम अवलम यरौ इला तैरि फौकहुम साफातिन व यकबिज़ना, क्या वो नहीं देखते अपने ऊपर परिंदों को साफातिन पर फैलाए हुए, व यकबिज़ना और समेट भी लेते हैं कभी। अल्लाह अकबर। साफातिन को बनाया इसमें फ़ाइल, इसम से जिक्र किया, और यकबिज़न को फ़ेल के साथ ताबीर कर दिया। साफातिन व काबिज़ातिन नहीं कहा, क्यों? क्योंकि बात उड़ने की है, और उड़ा परों को समेट कर उड़ना नहीं होता। समेटा सिर्फ थोड़ी देर के लिए जाता, और फैलाया ज़्यादा देर के लिए जाता। असल उड़ने से मकसद तो फैला कर उड़ना है। आप कई परिंदों को देखिए, कई वक्त तक पर फैलाए हुए ऐसे उड़ते रहते हैं, लेकिन समेटते बिल्कुल लम्हे आँख की झपक की तरह हैं। तो फरमाया क्या वो नहीं देखते अपने ऊपर परिंदों को साफातिन पर फैलाए हुए, व यकबिज़ना और कभी समेट लेते हैं, सुकेड़ लेते हैं। मायूम से को हुन्ना इल्लर रहमान, नहीं थामा हुआ इनको, नहीं थाम सकता इनको इल्लर रहमान, मगर कौन? ये उसी मेहरबान बादशाह ने उन्हें थामा हुआ है, वरना कौन थाम सकता है आसमान की फिजा में इनको? ये उसी मालिक ने थामा हुआ है। कभी कभी जहाज़ों में सफ़र करते गौर किया है? अंदाज़ा तो लगाओ ना, 600, 700, 800 तक बल्कि इससे भी ज़्यादा तादाद में लोग बैठे, खाना गर्म मिल रहा है, पानी ठंडा मिल रहा है, वाशरूम भी जा रहे हैं, वज़ू भी कर रहे हैं, सो भी रहे हैं, बातें भी हो रही हैं, कोई बीच में मुताले भी कर रहे हैं। और कितना ज़मीन से 30,000, 35,000 फुट की बुलंदी पर पहाड़ नीचे, रेत के टीले नज़र आए, बादल नीचे नज़र आए, क्या गौर नहीं करते हो ये किसने रोका है? और जब वो ज़रा सी हवा की बेएतदाली कर देता है तो आप देखते हैं कि पायलट भी कहता है अब मेरा बस नहीं चलता, अब मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया है। फिर ये भी नहीं देखता किधर जाके लगता है। फरमाया युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर, बेशक वो हर चीज़ को देखने वाला है। अमन हादल लज़ी हुआ जुंदुल लकुम, भला कौन है वो जो फौज है तुम्हारी, यंसुरुकुम जो तुम्हारी मदद करे, मिन दूनिर रहमान, रहमान के सिवा। जब रहमान तुम्हें पकड़े बस कौन है वो फौज तुम्हारी जो तुम्हें छुड़ा सके? दुनिया की कोई फौज, कोई लश्कर तुम्हें बचा नहीं सकता। रहमान अगर तुम्हें पकड़े, इनिल काफिरून इल्ला फी गुरूर, नहीं है काफिर मगर धोखे में पड़े हुए हैं। अमन हादल लज़ी यरज़ुकुकुम इन अमसक रिज़्क़हू, फरमाया भला कौन है वो जो तुम्हें रोज़ी दे, इन अमसक रिज़्क़हू, अगर वो अपनी रोज़ी रोक ले। हरिपुर वालों रोज़ी देने वाला कौन है? अल्लाह है। फरमाया यक़दिर, जिसके लिए चाहता है कुशादा कर देता है, जिसके लिए चाहे तंग कर देता है। एक ही माँ से, एक ही बाप से 4 भाई पैदा हुए, 10 भाई पैदा हुए, एक अमीर है और बाकी 10 को खाने के लिए नहीं मिलता, एक कोठियों का मालिक है और एक सड़कों पे फिर रहा है। क्या गौर नहीं करते हो कि ये तंग करने वाला रोजी और कुशादा करने वाला कौन है? फरमाया इन अमसकहू, अगर अल्लाह उसे रोक दे तो कोई दे सकता? ये तुम्हारा अकीदा है? आप इतने अरसा से कुरान सुनते हैं, इतने अरसे से सुन रहे हैं अल्लाह की किताब, बल्कि मेरी तो ज़िंदगी गुजर गई है सिर्फ अकीदे की बात करता हूँ, बाकी बातें कम करता हूँ। उसका मकसद ये होता है कि तौहीद तुम समझ लो। तो रोज़ी अगर अल्लाह रोक दे तो कोई कुशादा, तो फिर ये गली कूचों में जो बैठे हुए होते हैं कि रोज़ी की बंदिश मैं दूर करता हूँ, आपने देखे हुए बोर्ड लगाए हुए हैं। मुझे तो कभी कभी हैरत होती है। एक जगह रास्ते पे जा रहा था तो एक घर के ऊपर बाहर बोर्ड लगा हुआ था कि हर मुश्किल का हल, हर मुश्किल का हल बजरिया तावीज़ात। मैंने कहा यार कुछ काम अल्लाह के पल्ले भी रहने दे यार, सारे तू ही करने लग गया तो अल्लाह के लिए भी कुछ काम छोड़ भाई। कितने अजीब लोग हैं। खानपुर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में एक जगह बोर्ड पड़ा, उस पे लिखा हुआ जंगल का बादशाह, एक और पे लिखा हुआ था बर्रो बहर का बादशाह, ये बहुत सारे मज़ारात पे लिखा हुआ था। तो हमारे साथ एक पागल नुमा आदमी था, उसने कहा आज पता चला पाकिस्तान तरक्की इसलिए नहीं कर रहे थे, एक बादशाह हुए थे तरक्की करे ना, इतने बादशाह, हर गली में बादशाह है। ओ मेरे दोस्तों, रोज़ी अल्लाह देता है, रज़ाक अल्लाह है। कुरान ने 12वें पारे की पहली आयत में फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। इस जमीन पे जितने भी रेंगने वाले हैं उनकी रोजी का जिम्मेदार कौन? अल्लाह है। इन्नल्लाह हुवल रज़्ज़ाक़ु ज़ुल कुव्वतिल मतीन, वही रज़्ज़ाक़ है अल्लाह। इन अमसक रिज़्क़हू, अगर वो रोक दे तो कोई खोल नहीं सकता, और अगर वो देने का फैसला कर दे तो कोई हसद में आके रोक भी नहीं सकता। अल्लाह अकबर, क्या अजीब अकीदा है। कुरान दूसरे मकाम पे कहता है यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू। सुन ले ओ मुखातब, यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन, अगर अल्लाह तुझे जुर्रिन नकरा है, क्या है? नकरा है, बिल्कुल मामूली सी भी तकलीफ अल्लाह तुझे पहुंचाने का इरादा कर ले और पहुंचाए, तो फरमाया फला काशिफ लहू इल्ला हू, कोई उसे हटाने वाला इल्ला हू मगर वही। वही युरिद का भी खैरिन, और अगर अल्लाह तेरे साथ भलाई का खैर का इरादा करना चाहे तो फरमाया तब भी सुन ले फला रद्द लिफज़लिही, उसके फजल को भी कोई टालने वाला नहीं है। अल्लाह से अल्लाह का फजल हर वक्त मांगते रहा करो। फरमाया बल लज्जू फी उतुविन व नुफूर, बल्कि ये जालिम लोग मुशरिक लज्जू अड़े हुए हैं। क्या हुए हैं? लज्जू, ये अड़े हुए हैं, गुस्से हुए हैं, फंसे हुए हैं। किस चीज में? फी उतुविन व नुफूर, सरकशी और नफरत में। तुम जितना मर्जी है समझा लो, वो अपनी सरकशी में क्या हैं? अड़े हुए हैं, वहां से नहीं उठते। फरमाया अफमन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही, मक्के के मुशरिकीन ने एक वफद बनाया। क्या बनाया? वफद बनाया। और मदीना के, कुरान में कई मकामात पर है, उनसे जाके कहा तुम अहले किताब हो, तुम्हारे पास तौरात है, इंजील है, कोई ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हो, मूसा अलैहिस्सलाम को। हमारे इलाके में भी एक शख्स ने दावा किया है नबूवत का, वो कुरान पढ़ता है, क्या वो हिदायत पर है या हम ज्यादा हिदायत याफ्ता हैं? उनसे पूछ रहे हैं कि वो हिदायत पर हैं या हम ठीक हैं, आप फैसला करो। कुरान ने जवाब दिया और बड़े अजीब अंदाज से दिया। फरमाया अंधे हो, अकल नहीं, कान शऊर दिल नहीं दिया तुम्हें? क्या भला वो शख्स जो ऊंधे मुंह चल रहा है, उल्टा चल रहा है, मुंह के बल ऊंधे मुंह, और एक वो शख्स है जो सीधा इंसान की तरह चल रहा है और सिरात मुस्तकीम पे चल रहा है, क्या इन दोनों में से तुम्हें पता नहीं चलता कि हिदायत याफ्ता कौन है और गुमराह कौन है? क्या इतनी भी अकल नहीं है? जरा लफ्जों पे गौर करो। फरमाया अम अफमन यमशी मुकिब्बन, क्या भला वो शख्स जो चलता है मुकिब्बन ऊंधा मुंह, मुंह के बल, अला वजहिही, किसके बल? चेहरे के बल चल रहा है उल्टा। अहदा, वो ज्यादा हिदायत याफ्ता है। अम्मन यमशी सवियन अला सिरातिन मुस्तकीम, या वो ज्यादा हिदायत याफ्ता है जो चल रहा है सवियन, बिल्कुल दुरुस्त होकर, अला सिरातिन मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम पर। हरिपुर वालों, सिराते मुस्तकीम रब का कुरान है, आप नमाज में पढ़ते हो इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्ताईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें चला, हमें दिखा सिरात मुस्तकीम पर। तो यूं ही फातिहा खत्म होती है। सूरह बकरा में अल्लाह फरमाते हैं अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन। तूने हिदायत का सवाल किया सिरात मुस्तकीम का, ये किताब ही सिरात मुस्तकीम है। सिरात मुस्तकीम चाहिए। ओ मेरे दोस्तों, एक बाबा जी वो कहते हैं ना, एक बाबे की आवाज़ तुम सब पे भारी, उसकी हौसला अफजाई है। हमारा तो एक ही पैगाम है, अल्लाह की तौहीद सुनाना, सुनना, नबी की सुन्नत सुनाना और सुनना। खुदारा मेरा साथ दीजिए ज़रा। फरमाया भला एक आदमी ऊंधा मुँह चल रहा है, एक सिराते मुस्तकीम पे चल रहा है। इन दोनों में गुमराह कौन है, हिदायत याफ्ता कौन है? ये तो बिल्कुल वाज़े फ़र्क है। क्या है? और ये फ़र्क इधर भी है, ये फ़र्क उधर भी होगा। अब ज़रा मुस्नद अहमद की हदीस पढ़ने लगा हूँ, आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया युहशरुन्नास यौमल क़ियामति अला सलासति असनाफिन। क़यामत वाले दिन 3 ग्रोहों पर लोग उठाए जाएंगे। मैदान महशर की तरह लोग कैसे ले जाए जाएंगे? 3 ग्रोहों पर। मिनहुम उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे यमशून मुशातन, जो चल रहे होंगे पैदल। कैसे जा रहे होंगे? पैदल चल रहे होंगे मैदान महशर की तरह। जाओ भाई हिसाब किताब के। एक ग्रोह वो होगा जो चल रहा होगा रुकबाना। अल्लाह अल्लाह फरमाएंगे पैदल नहीं, उनके इस्तकबाल के लिए सवारियां ले जाओ, मेरे पास सवारी पर बिठा के लाओ। वो सवारियों पे आएंगे 2 ग्रोह। और तीसरा ग्रोह होगा यमशूना अला वुजूहिहिम, जो अपने चेहरों के बल चल रहे होंगे, पाँव ऊपर सर नीचे और चेहरे के बल। तो जब ये जुमला कहा सहाबा किराम ने ताज्जुब में फरमाया कैफा यमशूना अला वुजूहिहिम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के महबूब चेहरे के बल कैसे चलेंगे? पाँव से चलना तो समझ में, पाँव है ही चलने के लिए, तो चेहरे से कैसे चलेंगे? फरमाया ओ मेरे साथियों, जिस जात ने चेहरे हाथों पाँव के बल इनको चलाया सारी जिंदगी, वही जात आज इनको चेहरे के बल चलाएगा। आएंगे उल्टे। तो फरमाया क्या तुम्हें अब भी हिदायत याफ्ता और गुमराह का फर्क वाजे नहीं हुआ? अब जरा आगे सुनिए। फरमाया हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा। समझने के लिए तो कुछ चीज़ें हैं। अल्लाह फरमाते हैं वो मैंने तुम्हें दी हैं। क्या? फरमाया हुवल्लज़ी अंशअकुम, अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हें पैदा किया, वजअल लकुमुस समअ वल अबसार, उसने तुम्हारे लिए बनाए, अस्समअ कान, उसने तुम्हें कान दिए, वल अबसारा आंखें दिए, वल अफइदा और दिल दिया। दुनिया में समझने के लिए तो यही चीज़ें, या बंदा कान से सुनता है, आंख से देखता है, और आंख से देखकर कान से सुनकर उसके बाद दिल से क्या करता है? फैसला करता है। ये हाकिम है, ये समझ है। कुरान कहता है लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हून बिहा। कई लोगों के दिल तो हैं लेकिन उससे समझ नहीं हासिल करते। तो फरमाया जअल लकुमुस समा वल अबसारा। समा अरबी में सुनने को भी कहते हैं, कान को भी कहते हैं, और कुव्वते सुनवाई को भी कहते हैं, समाअत। कई लोगों के कान तो होते हैं लेकिन नहीं सुनते। आप देखते हैं कितनी बहरे ऐसे हैं कि कान तो उनके हमारे ही जैसे होते हैं लेकिन उनमें समाअत की ताकत कई लोग होते हैं। आंखें होती हैं लेकिन उनमें बसारत नहीं होती। तो फरमाया वही ज़ात है जिसने बनाया तुम्हारे लिए कानों को, वल अबसार आंखें बनाई, वल अफईदा और दिल बनाए। क्या बनाए? दिल बनाए। दिल जानते हो, उर्दू में दिल, पश्तो में झड़क कहते हैं इसको, अरबी में अंग्रेजी में क्या कहते हैं जी? हार्ट कहते हैं ना, फलां को हार्ट अटैक हो गया जी, अंग्रेजी में हार्ट कहते हैं, उर्दू में दिल कहते हैं, पश्तो में झड़क कहते हैं। पश्तो में झड़क कहते हैं, मुझे नहीं मालूम क्यों कहते हैं। उर्दू में दिल कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि दिल क्यों कहते हैं, वजह तस्मिया क्या नहीं जानते। लेकिन अरबी में कल्ब कहते हैं, मुझे वजह मालूम है कि क्यों कहते हैं। ये कमाल अरबी का है। हरिपुर वालों, ये बहुत अहम चीज़ है। क्या? ये बहुत अहम है, ये इतना मामूली नहीं है जितना लोगों ने समझ लिया। रक्षे वाले ने आगे लटकाया हुआ है, दिल लटक रहा है, हैं? गाड़ी वाले ने शीशे के ऊपर दिल बना दिया है, दिल बराए फरोख्त, और बड़ा सखी आ गया। कीमत सिर्फ एक मुस्कुराहट, हैं? कई लिखते हैं दिल तो पागल है, हाँ? कईयों ने दिल बना के बीच में दरार भी डाली होती है, भाई दिल तो टूटा हुआ है। कई बीच में तीर भी खुबा देते हैं, चुबा देते हैं कि बस सुराख है दिल में। ओ मेरे दोस्तों, कईयों ने हाथों पे बनाए हुए थे ना। मेरा दोस्त, ये इतनी मामूली चीज़ नहीं, ये इतनी अहम चीज़ है कि रब के कुरान में 194 मरतबा अल्लाह ने दिल का जिक्र किया है। कितनी दफ़ा? 194 मरतबा। अल्लाह अकबर। और आपको ये भी बताऊं, मक्की सूरतों में अल्लाह ने कल्ब नहीं कहा दिल को, अफ़ईदा फ़ुआद कहा। मदनी सूरतों में अल्लाह ने दिल को कल्ब कहा, और कई जगह दिल के लिए लफ्ज़ सुदूर इस्तेमाल किया है। 194 मरतबा दिल का लफ्ज़ आया है। दिल लिया गया, कल्ब लिया गया, लितक़ल्लुबी ही, ये ठहरता नहीं है, किसी जगह टिकता नहीं है। रात को कुछ कहता है तो सुबह कुछ और कहने लगता है, इधर मस्जिद में कुछ और कहेगा, बाहर निकलोगे ये दिल कुछ और कहेगा। ये एक जगह टिकता नहीं। आज एक से मोहब्बत है तो कल उसी को गालियां देता फिरता है, ऐसा है कि नहीं? ये टिकता नहीं है किसी जगह। तो या अल्लाह, जब ये हमारे काबू से बाहर है, टिकता भी नहीं है, नाम ही इसका दिल है उलट पुलट होने वाला, तो इसको टिकाया कैसे जाएगा? कुरान ने बताया, अल्लाह ने फरमाया, इसको टिकाने के लिए मैंने जो चीज़ दी है अल्लाह, वो क्या है? अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। ये एक जगह मुतमइन हो सकता है तो मेरे कुरान से हो सकता है। फिर जाओ, हज़ारों गुफ्तगुएं सुनोगे, दिल मुतमइन कहाँ होगा जब आप बोलोगे कि रब का कुरान ये कहता है। और अफ़ईदा फ़ुआद, जमा है अफ़ईदा की, फ़ुआद वाहिद है, अफ़ईदा उसकी जमा है। और फ़ुआद ये लिया गया तफ़ाउद से, तफ़ाउद लिया गया तवक्कुद के माने में, जलना। आग के साथ किसी चीज़ को जलाना और जलने को कहते हैं, चूँकि ये भी हमेशा जलता ही रहता है। बाकी वजूद ठंडा गर्म होता रहता है, लेकिन ये हमेशा क्या रहता है? ये हमेशा ही गर्म रहता है। ये जिस दिन ठंडा हो जाता है तो फिर इंसान अगले जहान पहुंच जाता है। कि कई लोगों को आपने देखा कहते हैं सुकून के, दिल के सुकून के लिए कोई दवाई दो। ओ भाई, शुक्र करो ये हरकत करे। सुकून तो हो गया तो मर जाएगा। सुकून नहीं, इत्मीनान चाहिए। क्या चाहिए? इत्मीनान चाहिए। सुकून तो आ गया, फिर तो बात ही, किस्सा ही ख़त्म। फरमाया तुम्हारे लिए दिल बनाए, आंखें, कान बनाए। कलीलम मा तशकुरून, बहुत थोड़े हो जो तुम शुक्र गुजार हो। कुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फिल अर्ज़ि व इलैहि तुहशरून, कह दीजिए वही ज़ात है उसने तुम्हें पैदा किया ज़मीन में और उसी की तरफ लुटाए जाओगे। वयक़ूलून मता हाज़ल वाद, मुशरिक से, जब मुशरिक को जब आप क़यामत से, अज़ाब से डराते हैं तो वो कहते हैं मता हाज़ल वाद, ये वादा कब आएगा? ये अजाब जिससे डरा रहे हो, ये क़यामत ये कब आएगी? कह दीजिए इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, मैं तो यही कहता हूं कि क़यामत आएगी, बाकी कब आएगी इसका इल्म किसके पास? अल्लाह के पास। इन्नमल इल्मु इंदल्लाह व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, और बेशक मैं डराने वाला हूँ, खोल के बात कर रहा हूँ, डरा रहा हूँ। फलम्मा राऊहु जुल्फतन, जब ये लोग क़यामत को देखेंगे जुल्फतन करीब। जुल्फतन मस्दर है और मस्दर कभी फ़ाइल के माने में होता है, यानी जब क़यामत को अज़ाब को या करीब आता देखेंगे, बर्पा होता देखेंगे, ठीक है ना, जहन्नम को, अजाब को, क़यामत के जब ये उसको करीब देखेंगे तो क्या होगा? सीअत वजूहुल लज़ीना कफरू, बिगड़ जाएंगे उन लोगों के चेहरे जिन्होंने कुफर किया। मोमिनों के चेहरे चमक जाएंगे, क्या? 14वीं की चांद की तरह। और मुनकिरों के चेहरे क्या हो जाएंगे? बिगड़ जाएंगे। क्यों? अजाब के करीब होते ही जुलसना शुरू हो जाएंगे, उनके चेहरे बिगड़ जाएंगे। सीअत वजूहुल लज़ीना कफरू वकीला, और कहा जाएगा उन मुनकिरों से हादल लज़ी कुंतुम बिही तद्दऊन, यही वो अजाब है, यही वो क़यामत है जिसका तुम मुतालबा करते थे, तद्दऊन मांगते थे, कह रहे क़यामत ले आओ, कब आएगी? ये आ गई है, क्या कर सकते हो? खुश हो गए हो, मुतमईन हो गए हो? फरमाया कुल अरायतुम इन अहलकनी अल्लाहु व मन मईया, कह दीजिए अगर अल्लाह मुझे हलाक करे, व मन मईया, और उनको जो मेरे साथ हैं इन सबको हलाक करे, और रहमाना, या हम पे अल्लाह मेहरबानी करे, रहमत करे, फमन युजीरुल काफिरीन मिन अज़ाबिन अलीम, तो कौन है जो काफिरों को दर्दनाक अज़ाब से बचाए? अल्लाह हमें हलाक करे या रहम करे, ये किसका इख्तियार है? लेकिन तुम बताओ, जो तुम सरासर इनकार कर रहे हो, तुम्हें दर्दनाक अज़ाब से कौन बचाएगा? फरमाया कुल हुवर रहमान, कह दीजिए वही है रहमान, वही बचाने वाला। आमन्ना बिही, हम उस पर ईमान ले आए, वालैहि तवक्कलना, और उसी पे हमने तवक्कुल कर लिया है। फसौफ तालमून, पसन करीब तुम जान लोगे, मन हुआ फी ज़लालिम मुबीन, कौन खुली गुमराही में, कौन हिदायत पर है? कुल, कह दीजिए अरायतुम इन अस्बह माउकुम गौरा, अगर हो जाए तुम्हारा पानी गौरा खुश्क, गौरा जमीन में नीचे गहराई में चला जाए। अस्बह का एक माना होता है सारा, और अस्बह का एक माना होता है सुबह करना। क्या करना? ठीक है, अब माना ज़रा करने लगा हूँ, तवज्जो कीजिए। तुम रात को सोए हुए हो, तालाब भरा हुआ है, कुएं में पानी है, डैम में पानी है, बोर किया हुआ पानी मौजूद है, सुबह होते ही अल्लाह ये पानी नीचे ले जाए, इतना नीचे ले जाए कि तुम्हारी मशीनरियों की पहुंच से बाहर हो जाए, तो कौन है यातीकुम बिमाइम मईन, जो तुम्हारे पास साफ बहता हुआ पानी ले आए? सुबह उठो, सारा पानी अल्लाह खुश्क कर दे, और तुम्हारा मुंह खुश्क, मुंह उठ के पानी ढूंढते फिरो, कौन ला सकता है? किसी में ताकत जो पानी बनाए? दुनिया की ऐसी कोई ताकत है जो कहे कि चलो कोई नहीं, नीचे से निकालने की भी ज़रूरत नहीं, तालाबों की भी ज़रूरत नहीं, हम मिल के किसी मशीन से क्या बनाने लगते हैं? पानी बनाने लगते हैं। कोई बना सकता है? मेरा दोस्त, जिस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा थी अल्लाह ने वो उतनी ज़्यादा पैदा कर दी। ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा, पैदा ज़्यादा कर दिया। पानी की ज़रूरत ज़्यादा, तो अल्लाह ने 29% पर तुम्हारी खुश्की रख दी, 71% पर तुम्हारे लिए पानी फैला दिया है। और पानी, कमाल की बात यह है, मरजल बहरैन यल्तकियान बैनहुमा बरज़खुल्ला यबगियान, आम आप तफसीरों में पढ़ते भी होंगे, लोगों की तकरीरों में भी हम भी बयान करते रहते हैं कि दो दरिया बहते हैं, एक मीठा है एक कड़वा है, पानी मिक्स नहीं हो रहा है। कई कहते हैं एक स्याह पानी है एक सफ़ेद पानी है, जैसे अटक पुल पे जाके देख लो, दरियाए काबुल भी आ रहा है दरियाए सिंध भी जाके मिल रहा है, एक का पानी स्याह है एक का सफ़ेद है, कई जगह तक बहता मिल नहीं रहा मिक्स नहीं हो रहा। और फिर ये आयत पढ़ देते हैं, ये अपनी जगह, लेकिन अल्लामा अब्दुल माजिद दरियाबादी ने एक अजीब माना किया। वो कहते हैं दोस्तों इसको थोड़े माने में ना लो, इसको इस माने में लो कि अल्लाह ने 71% कायनात दुनिया में पानी रखा और पानी को दो हिस्सों में तकसीम किया है, खारा कड़वा नमकीन और दूसरा मीठा और पाक और पीने वाला। फरमाया लाखों साल गुजर चुके हैं ये मिक्स नहीं हो रहा, कभी कड़वे पानी से बादल उठ के मीठे पे बरसते हैं तो मीठा कड़वा नहीं हो जाता, कड़वे वाले मीठे को कड़वा नहीं करते और मीठे वाला कड़वे को मीठा नहीं करते। ज़माने से ज़मीन पे जलजले भी आ रहे हैं, ज़मीन पे पानी जज़ब भी हो रहा है, नहरें भी बहती हैं आ रही हैं जा रही ज़मीन के ऊपर हवादिसात, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि नमकीन और खारा और मीठा मिल गया हो और दुनिया के पानी का जायका क्या हो जाए बदल जाए, ऐसा नहीं हुआ। ये उस मालिक का बनाया हुआ निज़ाम है, बाकी दुनिया की कोई ताकत इनको जुदा नहीं कर सकती, ये उस मालिक ने जुदा किया है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।